हीरे डूबने से फिरोजा का क्या ताल्लुक है? ये यूरोप नहीं है बीबी, कि कोई कुछ भी करता रहे किसी दूसरे को उसके मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ घर की दीवार से दीवार और छत से छत नहीं जुड़ी होती, रिश्ते भी जुड़े होते हैं। एक शख्स की गलती से पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। गलती? कौन सी गलती? कौन सी गलती? अपने घर, शौहर और बच्चों को उस अजीज की वजह से छोड़ने की गलती, हम सबको बेकसूर होते हुए इस दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर करने की गलती, और कौन कौन सी गलती बताऊं मैं तुम्हें? क्या हो गया सबा, बेटी की मोहब्बत में पागल हो गई है जो बहन पे इल्जाम लगा रही हो? बच्चों बस करें, मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी अपने घर के अंदर क्यों अंगारे भर रही हैं? अगर बात मेरी हो रही है तो अपना मुकदमा भी खुद ही लड़ूंगी मैं। जो जिंदगी मैंने गुजारी है अगर उसके साल आ साल का भी मैं हिसाब लूं ना, तो आप सब लोग भी खसारे में ही रहेंगे। अमीर भाई, आपको हमेशा मैंने अपना भाई समझा है, आपको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजे, उसके लिए मैंने कहां कहां जाके धागे नहीं बांधे। खैर, आगे क्या कहूं मैं, अगर खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो ना दें। और हैदर भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा आप मुझे यही कहते थे ना कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन हो। बहन बड़ी हो या छोटी, आज मान तो तोड़ दिया ना आपने। लेकिन आज आप सब लोगों की ये परेशानी खत्म, मैं जा रही हूं यहां से। अम्मा, अब्बा, मुझे पता है कि आप लोगों के अलावा यहां सबको ही मुझसे परेशानी है, सबको ही मैं बोझ लगती हूँ। हमीद भाई, हैदर भाई, सब आपा सब, तो कह दीजिएगा सबसे कि मैं वापस अपने ससुराल चली गई या फिर मर गई। क्या कह रही बेटा? ठीक कह रही हूँ मैं पा, मर तो मैं बहुत पहले ही गई थी, बस उसका एहसास आज हो रहा है। मुर्दों का क्या काम भला इन सारे जिंदाओं में। कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अम्मा अब्बा का घर है ये, क्यों जा रही हो? हाँ है तो अम्मा अब्बा का ही घर, पर मैं उनकी इकलौती औलाद नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बा और माँ अपनी बाकी औलाद की मोहब्बत से महरूम हो जाएं।